week. हाँ भाई, कैसे हो? बाहुबली वाला सांड है। हाँ, अंदर चलते, पीछे लास्ट में। वेलकम टू वैसे व्लॉग्स। आज हम आए हैं गौशाला। आज मेरी मम्मी का बहुत खास दिन है, इसलिए हम आए। और ये गुड़ के लड्डू होते हैं, और ये गाय को खिलाएंगे। ये सारी गाय हमारी, बच्चों को भी खिलाएंगे, आगे मिलवाएंगे। देखो ये कह रही है मेरे को दे दो, मेरे को दे दो, ऐसे बोलती है। देख गाय, मेरे को दे दो, मेरे को दे दो। चारा तो काफी पड़ा हुआ है, बट इनको ये चाहिए मीठा है ना, ये मीठा। बाहर वाली गाय ज्यादा भूखी थी, बाहर वालों को देखते फिर। देना भी बोरी। आराम से हैप्पी बर्थडे। बहुत भूखी है यार। फटाफट होता है ये नमक का होता नहीं, इससे क्या होता है? अच्छा, हाजम के लिए होता है। बहुत भूखी है तो पूरा खाली पड़ा ही है। इतना डालोगे ना, मैंने उतना कम है यहाँ पे। मेरे इससे बार है भाई साहब, आए दो बार डालना इसे। यहाँ पर गोबर की बदबू लगती है लोगों को, पर मेरे को कुछ नहीं लगती है। ये बच्चे छोटे छोटे बच्चे, एक इसमें से बाहर निकल गया था रात में, पर हमारे पीछे पीछे आप दिन तक जलवा के फिर वापस आया अपने घर पर। बड़ा मजा आया। अच्छा, बोलो चाहे तुम दो बोरी या चार बोरी डालो, पांच बोरी, पर यहाँ पे आओगे ना तो ज़्यादा बोरी डलती है, चाहे भूखी रहते ज़्यादातर। ये पाँच पाँच बोरी बोल के आया था, पर अब ज़्यादा डाल।
चलो भैया आके देखो, हम आए यहाँ पे किशनगंज वाली गौशाला। मतलब कितनी बड़ी है यहाँ पे, किस गाय का बहुत ध्यान रखा जाता है, यहाँ पे दूध भी मिलता है गाय का शुद्ध। है भाई जो दूध देते गाय वो अलग से होती है ना, अलग से रखते हैं ना, उनको अलग से रखते हैं। अच्छा दूध वाली को बांध रहे। अच्छा भाई खिलाने में इधर इधर छोटे छोटे बच्चे बहुत प्यारे, देखिए सबसे छोटा बच्चा है। आजा आजा, कितना सुंदर लग रहा, देख रही है। हाँ। आज दोस्ती कर ले, देख ऐसे दोस्ती करते हैं, देख देख रही है। हेलो ले ले। हाँ भाई कैसे हो, देखो कितने खुश होते हैं आप इनको प्यार करते हो तो, देख रहे मनुमा। नमक की भट्टी होती है, इससे क्या होता है इनका हाजमा सही रहता है, गाँव का इतनी भी गाय है ये चाटती रहती है खाली समय में। ठीक है नीचे देख के आना भाई, देखो कितना छोटा सा बच्चा है ना, प्यारा सा। तो मम्मी के नाम से मैंने पर्ची कटवाई है, आप भी आओ तो यहाँ पे जो पर्ची कटवाया करो, यहाँ का मॉल बहुत बढ़िया, मज़ा आता है यहाँ पे आके। देखो रिक्शा तैयार है, जिसको जितनी रिक्शा चलानी है उतना रिक्शा, एक रिक्शा में 10 बोरे होते हैं, 17 किलो का एक बोरा होता है, 80 रुपये 100 रुपये ऐसे रेट होते हैं, आप बनवा लो अपने हिसाब से। ठीक है बाकी गुड़ के अपने जो लिए थे वो है, बाकी गाजर भी होता है अपना, भूसा भूसा भी होता है, पूरा स्टॉक है माल। आओ रिक्शा उठाओ अपनी, 10 बोरी होती है रिक्शा में, जाओ और चढ़ाओ। हाँ जी तो यहाँ पे बड़ा मज़ा है, हालत देखो कैसी हो गई है। ठीक है आप लोग भी आके अपना यहाँ पे आप कर सकते हैं, गाय को खिला सकते हैं चारा जो भी आपकी श्रद्धा है। ठीक है और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना हमारा चैनल ज़रूर, और हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है उसको भी फॉलो कर लो, वहाँ पर नई नई अपडेट आती रहती है। जैसे मैंने अभी कुछ टाइम पहले इंस्टाग्राम पर डाली है स्टोरी कि मैं यहाँ पर आया हूँ, तो वैसे आप वो देख के आपको जल्दी पहले अपडेट मिल जाती है। ये जो है तिब्बिया कॉलेज है, ये वाली बत्ती है, यहाँ से सीधा जाओगे पीछे की साइड, पीछे दिखा देगी सर, तिब्बिया कॉलेज से सीधा इधर जाओगे पीछे, बिल्कुल टक्कर पे है गौशाला, है ना बढ़िया। और इसका फीचर है, अगर इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए अपनी हमारे रेज एड के ऊपर तो मेरे को बता देना, इसके ऑपर डिटेल वीडियो बना दो, इससे पेट्रोल सेव होता है, ऑटो कट ऑफ हो जाता है इंजन से, और मैं ऐसे चलाऊँगा ना ये स्टार्ट हो गई, फिर बंद हो गई है, अब देखो स्टार्ट करो हो जाएगी। माइलेज के ऊपर भी वीडियो आएगी, इसकी माइलेज थोड़ी गिरी है सर्विस के बाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग वी एस ए ब्लॉग्स, डू सब्सक्राइब माई चैनल।